अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और जबरदस्त स्टोरी लाइन के साथ कलर्स के शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की ने पूरे किए अपने 5 साल। 2016 में कलर्स पे शुरू हुए शक्ति सीरियल का सेकेंड सीजन भी आ चुका है, लेकिन दर्शकों के अंदर आज भी इस सीरियल के लिए क्रेज उतना ही बरकरार है और आज भी इस सीरियल का इंतजार लोगों को घर घर में रहता है। आप सभी को बता दें कि शक्ति ने सिर्फ लोगों के एक एंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं बनाया है, बल्कि इस सीरियल को लोगों ने एक इंस्पिरेशन की तरह लिया है। ये एक जो सीरियल है जो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर पर बना, ये सबको ये बताता है कि हम एक शो के जरिए कैसे एक इंस्पिरेशन की मिसाल खड़ी कर सकते हैं। शक्ति एक ऐसा शो है जिससे हमें एक ट्रांसजेंडर की स्टोरी दिखाई गई कि कैसे उन्हें भी बाकी लोगों की तरह जीने का इक्वल राइट है और अपनी मर्जी से करियर बनाने का या सीरियल सोसाइटी में एक जरिया बना लोगों की सोच को बदलने का। लंबे समय से टीवी का यह फेमस शो सीरियल के लिए एक ट्रेडमार्क भी बना हुआ है कि कैसे टीवी शोज के थ्रू हम सोसाइटी के कुछ जरूरी टॉपिक्स को एंटरटेनमेंट के तौर पर दिखा सकते हैं, जिसका असर ये हुआ कि हमने बाद में देखा कि टेलीविजन की दुनिया में ऐसे कई सीरियल्स देखने को मिले जो सोसाइटी के किसी न किसी टॉपिक को उठाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑडियंस भी ऐसे सीरियल को पसंद कर रही है और ऐसे सीरियल्स को और बढ़ावा दे रही है। आए दिन सीरियल को लेके कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आती ही रहती है। शो की लीड में रुबीना दिलायक और विवियन डिसेना ने शो को कह दिया था टाटा बाय बाय, जिसके बाद सीरियल की टीआरपी में कुछ गिरावट आई। लेकिन अब फिर से टीवी की बॉस लेडी रुबीना यानी शो की गुलाबों ने ले ली है वापस एंट्री, जिसके बाद यह शो फिर से टॉप 10 में अपनी जगह बना चुका है। इतना ही नहीं, सीरियल के 5 साल पूरे होने की खबर पर ट्विटर पर यह शो ट्रेंडिंग में शामिल हो गया, जिसकी जानकारी खुद रुबीना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दी और साथ ही शेयर की कुछ पिक्स और सेलिब्रेशन वीडियोस। अब देखना ये होगा कि अपने बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ क्या यह सीरियल सीजन 1 की तरह ऑडियंस का दिल जीत पाएगा और कितनी लंबी जर्नी तय कर पाएगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आप भी क्या इंटरेस्टेड हैं ये सेकेंड सीजन में और आप कितने ज़्यादा उत्साहित हैं सेकेंड सीजन के लिए। INS रिपोर्ट।